हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने दो लेआउट्स क्रिएट कर लिए थे हमारे माय अकाउंट फ्रेगमेंट के। ओके, तो इस वीडियो में हम जो बाकी के दो लेआउट्स बचे हैं वो भी हम क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम योर रिसेंट ऑर्डर्स लेआउट और माय एड्रेसेस लेआउट, ये दो लेआउट हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। ओके, और ये दो लेआउट क्रिएट करने से पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे यहाँ पे जो हमने दूसरे दो लेआउट्स है उसके अंदर हमने जो एलिवेशन है वो काफी ज्यादा सेट कर लिया था। तो यहाँ पे हम एलिवेशन थोड़ा सा कम कर देते हैं और उसके बाद ये दोनों लेआउट जो है वो क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे और यहाँ से सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे हमारी लेआउट फाइल। ओके, एरी ऑर्डर स्टेटस लेआउट, इसे ओपन करेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमने एलिवेशन जो है वो कुछ ज्यादा ही सेट कर लिया था, तो वन बाय वन हम एलिवेशन कम कर देते हैं। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट व्यू को और यहाँ पे 6 की जगह हम कर देते हैं 4 dpi। ओके, उसके बाद इसकी बारी। ओके, ये जो हमारा बड़ा वाला टेक्स्ट व्यू है, ओके, इस पे भी हम एलिवेशन 4 कर देते हैं। ओके, उसके बाद ये जो हमने प्रोग्रेस बार से ये बनाया था ट्रैकिंग बार, ओके, इसकी भी हम जो है एलिवेशन 4 सेट कर देते हैं। ओके, उसके बाद ये इमेज व्यू, इसका भी एलिवेशन हम 4 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो एलिवेशन है वो चेंज कर लिया है, अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं। और एक और सेकेंड चीज, हम वापस से प्रोफाइल डेटा लेआउट XML फाइल ओपन करते हैं। ओके, इस पे हमने जो ये हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है इस पे हमने टिंट सेट नहीं किया था, तो ये भी जल्दी से हम सेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम टिंट सेट कर लेंगे, टिंट कलर प्राइमरी। ओके, तो यहाँ पे हमने टिंट जो है वो चेंज कर लिया है, अब हम इसे भी क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम हमारा न्यू लेआउट क्रिएट करते हैं। ओके, हमने जो चेंजेस थे वो कर लिए हैं, तो अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू लेआउट ऐड करते हैं, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे योर रिसेंट ऑर्डर्स लेआउट। ओके, योर रिसेंट ऑर्डर्स लेआउट। ओके, तो अब आ जाएंगे डिजाइन टाइप पे और यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइटल के लिए। ओके, इसे कंस्ट्रेंट करेंगे टॉप से और लेफ्ट साइड से, अगेन मार्जिन 16 dpi। उसके बाद टेक्स्ट टाइप पे चलेंगे और इसे कस्टमाइज करेंगे योर रिसेंट ऑर्डर्स। ओके, योर रिसेंट ऑर्डर्स। उसके बाद टेक्स्ट साइज चेंज कर लेंगे 16 sp, टेक्स्ट कलर चेंज कर लेंगे ब्लैक। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देंगे। ओके, तो यहां पे हमने जो है टाइटल वो सेट कर लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, इमेज व्यू, 4 इमेज व्यू सेट करने हैं। ओके, तो ये 4 इमेज व्यू जो है हम एक लीनियर लेआउट के अंदर सेट करेंगे। ओके, तो एक लीनियर लेआउट हमें चाहिए, तो लेआउट्स पे चलते हैं और यहां से हॉरिजॉन्टल लीनियर लेआउट ऐड करेंगे। ओके, अब इसे भी हम कंस्ट्रेंट कर लेते हैं हमारे टाइटल के साथ और राइट और लेफ्ट साइड हमारा जो लेआउट है उसके साथ और बॉटम से भी लेआउट के साथ, और सब चारों साइड से हम जो है मार्जिन 16 dpi सेट कर लेंगे। ओके, उसके बाद विड्थ जो है वो मैच कंस्ट्रेंट एंड हाइट जो है वो रैप कंटेंट सेट करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं टेक्स्ट टैब पे। ओके, और इस ये रहा लीनियर लेआउट, इसके अंदर हमें जो है सर्कल इमेज यू ऐड करने हैं 4। ओके, तो सर्कल इमेज यू। ओके, अब हाइट और विड्थ यहां पे मैन्युअली सेट करनी है 60 dpi एंड हाइट भी 60 dpi। ओके, सोर्स हम यहां पे टेम्पररी सेट कर देते हैं हमारा बैनर। ओके, सिर्फ चेक करने के लिए।
ओके 70 dpi कर देते हैं हाइट और विड्थ। ओके हाइट और विड्थ हमने 70 dpi सेट कर लिया है। अब हमें बॉर्डर भी सेट करनी है, बॉर्डर कलर, कलर प्राइमरी एंड बॉर्डर विड्थ 4 dpi। ओके बॉर्डर विड्थ 4 dpi। ओके अब हमें चार 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 मतलब तीन और चाहिए, टोटल हमें चार सेट करने हैं लीनियर लेआउट के अंदर। ओके इसमें एक और चीज ऐड कर देंगे, लेआउट वेट 1 कर देंगे। ओके अब इसे हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी और नीचे 3 बार पेस्ट कर देंगे। ओके तो यहाँ पे हमारे पास चार जो हैं आ चुके हैं, चारों इमेज व्यूज। अब हमें आईडी सेट करनी है, तो सबसे पहले वापस से डिजाइन टैब पे चलते हैं और 1 by 1 सबकी आईडी सेट कर लेते हैं। ओके तो फर्स्ट की हम यहाँ पे आईडी सेट करते हैं। ओके काम करते हैं, यहाँ पे हम इसकी आईडी सेट नहीं करेंगे, हम हमारे लीनियर लेआउट की आईडी सेट कर लेते हैं। ओके तो हम डायरेक्ट लीनियर लेआउट को एक्सेस करेंगे और उसके बाद जो है 1 by 1 हम चारों को अंदर से एक्सेस करके इन पे इमेज सेट कर सकते हैं। ओके तो हम डायरेक्टली हमारा जो लीनियर लेआउट है ओके उसी की आईडी हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। ओके रीसेंट ऑर्डर कंटेनर। ओके रीसेंट ऑर्डर कंटेनर, रीसेंट ऑर्डर्स कंटेनर। ओके तो यहाँ पे हमने हमारी लीनियर लेआउट की आईडी सेट कर ली है। ओके तो अब हमें क्या करना है, इस पे बैकग्राउंड सेट करना है, इसके रूट लेआउट जो है उस पे हमें बैकग्राउंड सेट करना है। तो इसके रूट लेआउट को टारगेट करते हैं। ओके यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करते हैं हमारा स्लाइडर बैकग्राउंड। ओके उसके बाद मार्जिन सेट करेंगे। ओके मार्जिन हम अलग अलग देते हैं 1 by 1। मार्जिन स्टार्ट देंगे हम 16 dpi। मार्जिन एंड देंगे 16 dpi। मार्जिन टॉप देंगे हम 16 dpi। ओके मार्जिन टॉप देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा जो पिछला लेआउट था ओके टॉप वाला, ये वाला जो लेआउट था उसमें हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो है मार्जिन सेट की हुई है। ओके तो यहाँ पे हमें मार्जिन देने की जरूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे अगर जरूरत होगी तो हम मार्जिन सेट कर लेंगे। ओके तो अभी के लिए हम सिर्फ मार्जिन स्टार्ट और मार्जिन एंड हमने यहाँ पे सेट किया है और फाइनली इसकी हाइट जो है वो हम रैप कंटेंट सेट कर देंगे और अगेन इस पे एलिवेशन भी हमें देना है तो एलिवेशन इसका भी हम दे देंगे 4 dpi। ओके यहाँ पे मार्जिन जो है वो ज्यादा लग रहा है। ओके तो एक काम करते हैं वापस से डिजाइन टैब पे चलते हैं और हमारा ये जो मार्जिन है लिनियर लेआउट ओके उसका मार्जिन टॉप हम 8 dpi सेट कर लेते हैं। ओके अब सही है, तो यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट लेआउट मतलब कि थर्ड लेआउट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके अब एक और नेक्स्ट लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। ओके जो कि सिंपल है, तो एक और लेआउट फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम सेट करेंगे माय एड्रेसेस लेआउट। ओके माय एड्रेसेस लेआउट, ये लेआउट भी काफी सिंपल है। अब इस पे हमें क्या करना है, एक तो टाइटल है ओके टाइटल के लिए एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, इसे कंस्ट्रेंट कर देंगे टॉप और बॉटम टॉप और लेफ्ट साइड से, अगेन मार्जिन 16 dpi सेट कर लेंगे। उसके बाद इसे कस्टमाइज करेंगे, टेक्स्ट टैब पे चलते हैं, माय एड्रेसेस ओके टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देंगे, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर लेंगे। उसके बाद टेक्स्ट साइज भी चेंज कर देंगे 16 sp। ओके यहाँ पे हमने जो है कस्टमाइज कर लिया है हमारे टाइटल को। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, ओके तो यहाँ से बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं।
उसके बाद इसे भी कंस्ट्रेंट करते हैं टॉप से और लेफ्ट साइड से, और इसे हम मार्जिन जीरो देंगे दोनों साइड से। ओके, मार्जिन जीरो देंगे। अगेन टेक्स्ट टैब पे चलेंगे, इसे कस्टमाइज करेंगे, बटन की जगह व्यू ऑल। ओके, टेक्स्ट कलर, कलर प्राइमरी एंड बैकग्राउंड, कलर एक्सेंट, ओके हमारा व्हाइट कलर। ओके, तो यहां पे हमने जो है कस्टमाइज कर लिया है बटन को। ओके, उसके बाद अगेन हमें तीन टेक्स्ट व्यूज चाहिए, एक फुल नेम के लिए, एक एड्रेस के लिए और एक पिन कोड के लिए। ओके, तो अगेन तीन टेक्स्ट व्यूज जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ओके, अब वन बाय वन इसे भी कंस्ट्रेंट कर लेंगे हम। इसे हम कंस्ट्रेंट करेंगे, ओके इसी के साथ कर लेते हैं, टाइटल के साथ। ओके, उसके बाद मार्जिन अगेन 16 दोनों साइड से, अगेन इसे कंस्ट्रेंट कर लेते हैं टॉप से, लेफ्ट साइड से, अगेन 16 मार्जिन। ओके, अगेन इसकी बारी, टॉप से लेफ्ट साइड से। अब इसे हम टॉप से 8 ही रहने देंगे और लेफ्ट साइड से 16 सेट कर लेंगे। ओके, अब तीनों को कस्टमाइज करते हैं, तो आप इसे टेक्स्ट टैब पे चलते हैं, जूम करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फुल नेम। ओके, यहाँ पे एग्जांपल, ओके यहाँ पे फुल नेम ही लिख देते हम, फुल नेम, टेक्स्ट कलर ब्लैक और टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देंगे। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट साइज हमें इंक्रीज नहीं करना है, टेक्स्ट साइज सेम ही रहने देंगे। उसके बाद दूसरा टेक्स्ट व्यू, अगेन यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, टेक्स्ट कलर ब्लैक। ओके, उसके बाद ये अगेन पिन कोड, अगेन टेक्स्ट कलर ब्लैक। और इसका टेक्सटाइल जो है वो हमें बोल्ड करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये फुल नेम है, जो फुल नेम है उसका भी हम टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं या फिर रहने देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं। ओके, फुल नेम का रहने देते हैं, और ये पिन कोड जो है उसका हम टेक्स्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज यहाँ पे हम कर देते हैं 12 SP। ठीक है, अब सही है। तो वापस से डिजाइन टैब पे चलते हैं, अब सबकी आईडी सेट कर लेते हैं। तो इसकी आईडी सेट करने की जरूरत नहीं है, बटन की आईडी सेट करनी पड़ेगी। ओके, व्यू ऑल एड्रेसेस बटन। ओके, इसकी आईडी हमने सेट किया व्यू ऑल एड्रेसेस बटन। उसके बाद फुल नेम की आईडी सेट करेंगे, एड्रेस फुल नेम। ओके, डोंट आस्क अगेन एंड यस, अगेन एड्रेस ओके। उसके बाद पिन कोड, एड्रेस पिन कोड, ओके एड्रेस पिन कोड। ओके, तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें इसका अगेन जो रूट लेआउट है उस पर बैकग्राउंड सेट करना है, एलिवेशन सेट करना है। तो बैकग्राउंड सबसे पहले स्लाइडर बैकग्राउंड, उसके बाद एलिवेशन दे देते हैं 4 dp, और फाइनली जो हाइट है वो रैप कंटेंट सेट कर देते हैं। आप इसे डिजाइन टैब पे चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इसे नीचे से भी कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा पिन कोड को, बॉटम से। उसके बाद बॉटम से दे देंगे 16 dp।
ओके, तो यहाँ पे एड्रेस जो है उसपे काम करेंगे, उसको राइट साइड से भी कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। ओके, राइट साइड से भी 16 dB मार्जिन दे देते हैं और विड्थ जो है वो मैच कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि एड्रेस जो है वो बहुत लंबा हो सकता है। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से शो होगा अगर बड़ा एड्रेस होगा तो भी। ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट लेआउट है वो भी हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, इस पे मार्जिन भी देना पड़ेगा, मार्जिन हमने सेट नहीं किया है रूट लेआउट पे, तो यहाँ पे मार्जिन सेट कर लेंगे रूट लेआउट पे। मार्जिन डायरेक्टली मार्जिन सेट कर लेते हैं, मार्जिन 16 dp। ओके, अब सही है। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों लेआउट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इसे सेट कर लेते हैं हमारी मेन फ्रेगमेंट की XML फाइल पे। ओके, तो माय अकाउंट फ्रेगमेंट माय अकाउंट XML ओपन करेंगे। ओके, ये रहा यहाँ पे लेआउट और यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, तो इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे सिंपली हमारा जो लेआउट था, ओके, रिसेंट योर रिसेंट ऑर्डर्स लेआउट एंड माय एड्रेसेस लेआउट। ओके, तो यहाँ पे मार्जिन चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ पे भी मार्जिन है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है चारों लेआउट्स को इंक्लूड तो कर लिया है। अब हमें एक और चीज करनी है, ये जो बटन है साइन आउट बटन, ये भी हमें क्रिएट करना है। ओके, तो ये साइन आउट बटन भी जो है हम क्रिएट कर लेते हैं, तो ये हमें लीनियर लेआउट के अंदर ही क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है लीनियर लेआउट के अंदर इंक्लूड के बाद यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे हम, बटन, एंड इसकी विड्थ जो है वो हम रैप कंटेंट सॉरी मैच पैरेंट सेट कर देते हैं। ओके, एंड हाइट रैप कंटेंट सेट करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट सेट करेंगे हम साइन आउट। ओके, टेक्स्ट हम सेट कर देंगे साइन आउट। ओके, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा बटन। उसके बाद टिंट सेट करेंगे इस पे, ओके, बैकग्राउंड टिंट कलर प्राइमरी। उसके बाद टेक्स्ट कलर चेंज करेंगे हम, टेक्स्ट कलर हमारा होगा कलर एक्सेंट, एंड टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर देंगे। ओके, और टेक्स्ट साइज जो है वो हम डिक्रीज कर लेंगे, 12 SP कर देंगे। ओके, अब डिजाइन टैब पे चलते हैं। ओके, और इससे पहले नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, यहाँ चेक कर लेते हैं। ओके, हमें क्या करना है, मार्जिन भी सेट करने पड़ेगी। ओके, मार्जिन सेट कर लेते हैं। अगेन टेक्स्ट टैब पे चलते हैं और यहाँ पे मार्जिन सेट कर देते हैं हम, मार्जिन स्टार्ट 16 dp एंड मार्जिन एंड 16 dp। ओके, अब चेक कर लेते हैं। ओके, मार्जिन बॉटम भी हम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 16 dp। ओके, अब सही है। अब यहाँ पे हमें हमारा बटन जो है वो शो हो रहा है। ओके, इसकी आईडी सेट कर लेते हैं, तो डिजाइन टैब पे चलते हैं, यहाँ से बटन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आईडी सेट कर लेते हैं साइन आउट बटन। ओके, तो हमने आईडी सेट कर ली है साइन आउट बटन, तो और यहाँ पे हमने दोनों लेआउट्स को इंक्लूड भी कर लिया है, तो अब चलिए चेक कर देखते हैं। तो मैं अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेविगेशन ड्रॉअर पे और यहां से हम चलते हैं माय अकाउंट फ्रेगमेंट पे। ओके, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा फ्रेगमेंट जो है वो लोड हो चुका है और इस बार जो है शेडोज अच्छे दिख रहे हैं, शेडोज वैसे तो ठीक है। अब नीचे हम पहले तो नीचे के दोनों जो लेआउट्स हमने ऐड किए वो हम चेक कर लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हमारा योर रिसेंट ऑर्डर्स लेआउट, और यहाँ पे हमारा अगेन माय एड्रेस लेआउट। ओके, तो इसमें हमें चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या करना है, एक तो ये यहाँ से हमें जो मार्जिन है, ये रिसेंट ऑर्डर वाला जो फर्स्ट लेआउट हमने अभी क्रिएट किया, उसमें से टॉप मार्जिन 16 dp है, तो वो हमें करना पड़ेगा। ओके, 8 dp करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पे बटन जो है उस पर, यहाँ पे हमें एलिवेशन दिख रहा है। ओके, तो ये बटन जो है उसको भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ओके, एंड और ये लास्ट जो हमारा साइन आउट बटन है, ओके, जो हमारा ये साइन आउट बटन है वो भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये बहुत छोटा लग रहा है, हमें थोड़ा सा इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, वापस 14 ही सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम चेंजेस कर लेते हैं। और ये जो हमारा ये ट्रैकिंग बार है, ओके, ये वाला जो हमने प्रोग्रेस बार बनाया है, ओके, इसका जो शेडो है वो काफी ज्यादा लग रहा है, तो इसका शेडो हम और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, तो हम चलिए चेंजेस कर लेते हैं। तो वापस से सबसे पहले हमें इसका शेडो कम करना पड़ेगा। ओके, तो हम चलते हमारा जो ऑर्डर्स ऑर्डर स्टेटस लेआउट, ओके, इस पे चलते हैं, और हमने जो ट्रैकिंग प्रोग्रेस बार बनाया था उस पे क्लिक करते हैं। ओके, ये रहा इसका, इसका जो है एलिवेशन हम 3 dp सेट कर लेते हैं। ओके, 3 dp, और इसका भी हम 3 dp सेट कर लेते हैं। ओके, सबका हम 3 dp सेट कर लेते हैं एलिवेशन। अगेन इसका भी 3 कर देते हैं, और ये जो लेआउट है इसका भी हम 3 कर लेते हैं। ओके, सबका एलिवेशन हम 3 सेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है। अब नेक्स्ट चेंजेस जो थे वो हमारा, ओके, वो लेआउट ऑलरेडी फाइल हमारे पास यहाँ पे, पहले तो माय एड्रेसेस पे चलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये व्यू ऑल बटन जो है उस पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। व्यू ऑल बटन, बैकग्राउंड, और यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेट लिस्ट एनिमेटर। ओके, ये स्टेट लिस्ट एनिमेटर, इसको एट नल सेट कर देना है। ओके, अब सही है, अब यहाँ से जो शेडो दिख रहा था वो चला गया है। ओके, और उसके बाद क्या करना है, एक और चेंज करना है हमारा जो फर्स्ट लेआउट था, ओके, योर रिसेंट ऑर्डर्स वाला, इसमें से टॉप मार्जिन जो है वो इसकी कम कर देनी है टाइटल की। ओके, तो इसे हम 8 dp सेट कर लेते हैं। और फाइनली लास्ट जो हमारा बटन था, तो अगेन माय अकाउंट की XML फाइल पे ये रहा बटन, और इसकी टेक्स्ट साइज अगेन जो है हम इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, टेक्स्ट टैब पे चलते हैं, ये रहा साइन आउट बटन, और इसकी टेक्स्ट साइज हम यहाँ से वापस से जो है 14 sp कर देते हैं। ओके, 14 sp। ओके, तो हमारा ऐप वापस से लॉन्च हो चुका है, और वापिस से चलते हैं नेविगेशन ड्रॉअर पे और माय अकाउंट पे। ओके, तो इस बार जो एलिवेशन है वो एकदम अच्छे से दिख रहा है। ओके, अब जो शेडोज हैं वो अब काफी अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो शेडोज जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमने 8 dp मार्जिन सेट कर लिया, तो अब ये भी काफी अच्छा लग रहा है, योर रिसेंट ऑर्डर्स। ओके, उसके बाद हमारा जो साइन आउट बटन है वो अभी भी छोटा लग रहा है, साइन आउट बटन। ओके, साइन आउट बटन अभी भी हमें छोटा लग रहा है, हमें और इंक्रीज करनी पड़ेगी हाइट साइन आउट बटन की। ओके, तो साइन आउट बटन की हाइट हम और इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे 60 dp सेट कर लेते हैं, 60। ओके, अब तो मेरे ख्याल से अब तो ये तो सही होनी चाहिए, 60 dp। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऐप वापस से लॉन्च हो चुका है। ओके, चेंजेस जो है वो अप्लाई हो चुके हैं, तो वापिस से चलते हैं हम ड्रॉअर पे और माय अकाउंट पे। ओके, तो इस बार वापिस से चेक कर लेते हैं हमारा बटन। ओके, तो इस बार जो बटन साइज है वो एकदम परफेक्ट है। ओके, तो हमने 60 dp जो है बटन का हाइट सेट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। ओके, यहाँ पे लेआउट जो है वो काफी अच्छा लग रहा है हमारा माय अकाउंट फ्रेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने माय अकाउंट फ्रेगमेंट जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है।
ओके उसका डिजाइनिंग जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, लेआउट एकदम अच्छे से दिख रहा है। ओके तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।